वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। क्लास 3 आसान सिंधी ट्रेन दर्जे लाए। अब हमारा सबक ब्यों सिंधी ऐं उर्दू ज़बान जा हम आवाज़ ऐं मुख्तलिफ़ रस्म अलख़त अखर, यानी जो हमारे उर्दू से हम काफ़िया मिलते हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे। भे भे बे और हे भे, थे ते और हे को मिलाकर हमारा बनता है थे। टे तो टे जो है ऊपर से छोटी सी तुएँ आती है तो हम उसको उर्दू में कहते हैं टे। और सिंधी में जो है हमारे 3 नुक्ते आते हैं, ऊपर 2 ऊपर 1 नीचे। ठे ठेठूठ उर्दू में, और ठे टे और हे को मिलाकर ठे बन जाए। और ठे के हमारे सिंधी में हैं 2 नुक्ते, ऊपर 1 नीचे 1 ऊपर। फे फे पीठो, फे के जो हैं 4 नुक्ते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। और इसका जो है हम काफिया जो है, जो हम आवाज़ है पे और हे को मिलाकर फे। फे फूल, उसके बाद है छे छे, और उर्दू में जो है छे और हे, तो हमारे छे के जो है नुक्ते कितने हैं 4 पेट में हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। उसके बाद है दाल दाल धोबी, दाल के जो हैं 2 नुक्ते हैं, दाल धोबी दाल, ठीक है। उसके बाद इसका जो है हम आवाज़ दाल और हे को मिलाकर दाल। उसके बाद है डाल, डाल के नीचे 1 नुक्ता, और उर्दू में जो है इसका डाल ऊपर से छोटी तुएँ, तो ये हमारा डाल। उसके बाद है ढाल, ढाल के जो हैं 2 नीचे नुक्ते, और उर्दू में हैं डाल और हे को मिलाकर ढाल। उसके बाद है इड़े, इड़े के नुक्ते हैं ऊपर सिंधी में 4, 2 ऊपर 2 नीचे, और उर्दू में है इड़े। काफ सिंधी वाला, फ़र्क इसमें यह है कि हम सिंधी वाला काफ लिखेंगे और इसमें डंडी वाला काफ उर्दू में। और काफ खाफ, खाफ इसको पढ़ेंगे हम खाफ, ये अगर उर्दू का होता तो हम इसको पढ़ते काफ, तो इसको खाफ पढ़ेंगे हे के साउंड के साथ खाफ। तो इसका जो है उर्दू में जैसे है काफ और हे को मिलाकर खाफ। उसके बाद है हे, हे जो है इसमें जो है सिंधी में अलग लिखते हैं और उर्दू में जो है गोल है। ये जो है सिंधी के 2 नुक्ते हैं नीचे, और उर्दू वाले में 1 भी नुक्ता नहीं है, छोटी है बड़ी है।